मैं हूँ ज्योति और मेरे चैनल फन फूडी में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके डेली के कामों को बेहद आसान बनाने वाले हैं। और हाँ, इन टिप्स की खास बात यह है कि इनमें आपका एक रुपया भी खर्च नहीं होगा। काम तो हम सभी करते हैं, लेकिन अगर कुछ ट्रिक्स के साथ उन कामों को किया जाए तो हमारे काम बेहद आसान हो जाते हैं। तो चलिए आज मैं बताऊंगी कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स। हाँ, अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट ट्रिक। गाइस, जब भी हम इस तरह से पैकेट में से सामान यूज करते हैं तो जरूरी नहीं कि हम एक बार में सारा ही सामान यूज कर लें। हम कुछ सामान यूज करने के बाद उसे ऐसे ही रख देते हैं और होता क्या है कि वो बरसातों के दिनों में मॉइस्चर से खराब हो जाता है। अब आप इसे किस तरह से फोल्ड करके रखिए कि जिससे ये आपका सामान बिल्कुल भी खराब ना हो। तो आपको जैसे जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ आप उसी तरह से इस बॉक्स को फोल्ड करें और फोल्ड करने के बाद इसे ऊपर से सेलो टेप लगा दें। अब देखिए मैंने इसे बिल्कुल पैक कर दिया है। अब जो मेरी ये न्यूट्रिला है बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। इस तरह से आप किसी भी पैकेट को यूज करने के बाद फिर से पैक करके रख दें। आपका सामान कई दिनों तक सेफ रहेगा क्योंकि जब इसमें कोई एयर ही नहीं जाएगी तो हमारा सामान खराब होने का कोई चांस ही नहीं। तो है ना कमाल की ट्रिक। वो क्या होता है ना कि जब भी बरसातों के दिन आते हैं तो सामान में फफूंदी लग जाती है जिससे हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो इस ट्रिक के बाद आपका किसी भी सामान का कोई नुकसान नहीं होगा। आई होप आपको ट्रिक पसंद आई होगी, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करना। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, हमारी दूध को लेकर। तो गाइस, इस ट्रिक के लिए ना हमें कच्चे दूध की जरूरत है। तो हमें बिल्कुल भी पका हुआ दूध नहीं लेना है क्योंकि हम इससे बनाने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया सी होम रेमेडी जिससे हमारे काफी पैसे बच सकते हैं। तो इस दूध में हम मिलाएंगे थोड़ा सा कोलगेट। कभी कभी क्या होता है ना कि हमें अचानक से कहीं शादी पार्टी में जाना पड़ जाता है और हम लोग को पार्लर में जाने का टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता। सच बताऊं तो गाइस, मैं तो कभी पार्लर नहीं जाती हूँ, लेकिन जो जाते हैं ये रेमेडी उन लोग के लिए है। अब आप इस रेमेडी को ना अपने हैंड पर, फेस पर या नेक पर कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप देखेंगे कि कुछ ही मिनटों में आपकी जो स्किन की सब गंदगी है ना वो अपने आप बहुत जल्दी क्लीन हो जाएगी क्योंकि ये जो दूध होता है ना ये अपने आप में बहुत ही अच्छा क्लींजर होता है। और अगर इसके साथ कोलगेट मिल जाए तब तो और डबल इफेक्ट। देखिए मैं आपको यहाँ पर लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी। आप देखेंगे कि जहाँ पर हमारे काले काले स्पॉट्स हो जाते हैं वो इस रेमेडी से बिल्कुल साफ हो जाएंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आप इसे 2-4 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें और इसे फिर नॉर्मल पानी से धो दें। आप देखेंगे रिजल्ट आपके सामने है। आप इस होम रेमेडी को एक बार ट्राई जरूर करना और मुझे फिर कमेंट में बताना। इस तरह से आप महंगे महंगे पार्लर के खर्चे से बच सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक क्या है। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी इस तरह से सेलो टेप को लेकर। जब भी हम सेलो टेप का यूज करते हैं तो हर किसी की यही प्रॉब्लम होती है कि उसका सिरप मिलता नहीं है और जब हमें जल्दी होती है तो हमें बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है। तो ऐसी प्रॉब्लम ना आए तो इसके लिए हमें लेना है हेयर पिन। ये तो हर किसी के घर में होती है। हेयर पिन को लगा देना है इसके कॉर्नर पर। इससे होगा ये कि आपका कॉर्नर कहीं मिस नहीं होगा और आप इजीली इसे इस पिन की सहायता से खोल भी पाएंगे। और जितने टेप की आपको जरूरत है आप उतना टेप यूज करें और वापस से हेयर पिन को इसमें लगाकर फिर से रख दें। ये बहुत आसानी से निकल भी जाती है और बहुत इजीली लग भी जाती है। अब से आपको टेप को निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। इस तरह से प्लास्टिक की बॉटल्स तो हर किसी के पास होती है, तो यहाँ पर मैंने आज प्लास्टिक की बॉटल को यूज किया है। इससे हम एक बहुत बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर बनाएंगे। इसके ऊपर वाले पार्ट को मैंने गरम चाकू की हेल्प से कट कर लिया है। अब हमें चाहिए होगा स्क्रबर जो हम किचन में यूज करते हैं। अब हम इस स्क्रबर पर बॉटल को चिपका देंगे। आप इसके लिए कोई भी ग्लू ले सकते हैं। इस टाइम पर मेरे पास ग्लू अवेलेबल नहीं थी तो मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ वीडियो में दिखाने के लिए डबल साइडेड टेप का यूज किया है। अब इसका यूज हमें कहाँ करना है ये देखते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें किचन सिंक साफ करने में बहुत गंदा लगता है, तो इस टूल की हेल्प से हम बहुत आसानी से सिंक को साफ कर पाएंगे। तो देखिए कितनी आसानी से हमने सिंक को क्लीन कर दिया है और वो भी बिना हाथ लगाए। इस टूल से आप किचन सिंक ही नहीं बल्कि वॉश बेसिन भी बहुत अच्छे से साफ कर पाएंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। अक्सर क्या होता है कि हम साबुन के रैपर को फेंक देते हैं। उसे आप कभी भी फेंके नहीं क्योंकि इसके कागज में बहुत ज्यादा खुशबू होती है।
स्पेशली जो साबुन के अंदर जो मोटा कागज होता है ना, उसमें इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस होती है कि उसे फेंकने का मन नहीं करता। अब इस कागज का यूज आपको कहाँ और कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको इसको या तो इसी तरह से फोल्ड करके या फिर इसको दो या तीन पीसेज में कट कर लेना है और इन पीसेज को रख देना है अपनी वार्डरोब में या फिर अटैचिव में, जहाँ पर आपके कपड़े रखे होते हैं। आप देखेंगे कि बिना परफ्यूम के ही आपके कपड़ों से और अलमीरा से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक। तो नेक्स्ट ट्रिक है इस तरह से हमारे नेल पेंट को लेकर। हमारे पास ढेर सारी नेल पेंट होती है और उसे होता क्या कि काफी समय से रखे रहने के बाद कुछ नेल पेंट सूख जाती हैं, जिससे हमें दूसरी नेल पेंट लेनी पड़ती है और हमारे बहुत सारे पैसे वेस्ट हो जाते हैं। तो आइए लगाते हैं कुछ ऐसा जुगाड़ कि हमारे पैसे भी ना खर्च हो और हमारी नेल पेंट बहुत अच्छे से काम करे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें नेल पेंट की बॉटल को अच्छे से वॉश कर लेना है। अब क्या करें, नेल पेंट है, जाम हो गई है, फेंक भी नहीं सकते, तो जुगाड़ तो लगाना ही पड़ेगा। आप इसे बिल्कुल साफ पानी से वॉश करने के बाद एक बार साफ कपड़े से पोंछ लें। तो चलिए आइए जुगाड़ लगाते हैं। हम सभी के घर में चावल तो बनते ही हैं, तो आपको करना क्या है कि जैसे ही आपके चावल बन जाए आप इन नेल पेंट को इन चावल के अंदर रख दें। इसीलिए हमने इन नेल पेंट्स की बॉटल को अच्छे से वॉश किया है। जितने भी नेल पेंट हैं आप इसे इन चावलों के अंदर इस तरह से रख दें, क्योंकि बनने के बाद चावल इतने गर्म होते हैं कि जो उसमें स्टीम होती है उसी से ही हमारी नेल पेंट फिर से लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगी। अब इन चावलों में नेल पेंट को रखने के बाद हम फिर से इसे कवर करके थोड़ी देर के लिए रख देंगे। अब देखिए, मैं जैसे ही इसको निकाला ये हमारी शीशी इतनी गर्म हो गई है कि मैं इसे हाथ भी नहीं लगा पा रही। तो आइए देखते हैं इसकी हीट से हमारी नेल पेंट का क्या हाल है। तो देखिए, यहाँ पर मेरी नेल पेंट एकदम लिक्विड फॉर्म में आ गई है, ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी थी। अब कुछ देर ठंडा होने के बाद मैंने और भी नेल पेंट को चेक किया तो देखिए कितनी लिक्विड फॉर्म में आ गई है। हमारा ये जुगाड़ एकदम 100% काम आया। तो देखा गाइस, इस फ्री के जुगाड़ से हमारे कितने पैसे वेस्ट होने से बच गए। जब आप इस जुगाड़ को ट्राई करेंगे ना तो आप देखकर खुद ही हैरान रह जाएंगे। आई होप आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी और ट्रिक्स पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली में और फ्रेंड्स में मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही कुछ अमेजिंग सी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।